सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि मार्वल कॉमिक्स और डीसी कॉमिक्स के अंदर काफ़ी सारे ओवरपावर्ड किस्म के कैरेक्टर्स हैं, कॉस्मिक एंटिटीज़ हैं, और ऐसे बहुत ही कम कैरेक्टर्स हैं लेकिन हमें देखने को तो मिले ही हैं कॉमिक्स के अंदर, जिनकी जो पोटेंशियल है वो हमें मल्टीवर्सल लेवल और ओमनीवर्सल लेवल के अबव देखने को मिलती है, जो एग्जिस्टेंस के बियॉन्ड है। और सुपर विलन्स बैटलाइन के आज के इस एपिसोड में मैं ऐसे ही दो काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड किस्म के, कह सकते हो कि बैड अलाइनमेंट वाले कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा मिल्कमैन मैन या कहो मिल्कमैन सुपरमैन को प्री रेडकॉन बियॉन्डर के अगेंस्ट, और जानेंगे कि इन दो इतने ज़्यादा ओवरपावर्ड किस्म के कैरेक्टर्स में कौन ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है। सो गाइज, ये वीडियो सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। तो गाइस, शुरुआत करते हैं हम लोग प्री रेडकॉन बियॉन्डर के साथ। तो देखो, जब 90s के बाद बियॉन्डर डी पावर्ड हो गया तो कह सकते हो कि इसका पोटेंशियल उतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिला जब उसके इंट्रोडक्शन के टाइम हमें देखने को मिला था। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लासिक बियॉन्डर, जिसे हम लोग प्री रेडकॉन बियॉन्डर के नाम से भी जानते हैं, उसे जो है कंसिडर करने वाले हैं, जो अपने टाइम पर मार्वल ओमनीवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर था। तो अगर देखा जाए तो प्री रेडकॉन बियॉन्डर जो है कॉस्मिक एंटिटी था, या कह सकते हो कि एक लिविंग एम्बॉडीमेंट था, जिसे बियॉन्ड रियल का जो है लिविंग एम्बॉडीमेंट बताया जाता था, और ये सच में बहुत ही ज़्यादा वो पावर था। साथ ही साथ ये खुद मार्वल ओमनीवर्स के आउटसाइड से बिलोंग करता था, और ड्यूरिंग हिज क्लासिकल इंट्रोडक्शन इसे जो है कह सकते हो कि जिम शॉटर, जो एक्चुअली में एक राइटर एडिटर थे, उनके रिप्रेजेंटेशन के तौर पर जो है क्रिएट किया गया था। और एट दैट टाइम प्री रेडकॉन बियॉन्डर कह सकते हो कि मार्वल का सुप्रीम बींग था। उससे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर कोई मार्वल के कॉमिक्स के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन बाद में जो है चीज़ें चेंज हुई, टर्म्स को चेंज किया गया, वन अबव ऑल फल्क्रम जैसे कैरेक्टर्स भी देखने को मिले। लेकिन अभी हम लोग प्री रेडकॉन बियॉन्डर को लेने वाले हैं, जो मार्वल ओमनीवर्स से भी ज़्यादा खतरनाक था, मार्वल ओमनीवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। अगर हम लोग बात करें गाइस प्री रेडकॉन बियॉन्डर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के, तो प्री रेडकॉन बियॉन्डर जो है रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, वो डायमेंशन को मैनिपुलेट कर सकता है, कॉन्सेप्ट को मैनिपुलेट कर सकता है, ग्रेविटी को बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। इतना ही नहीं, वो इमोशन को भी मैनिपुलेट कर सकता है, एलिमेंटल मैनिपुलेशन भी परफॉर्म कर सकता है। साथ ही साथ प्री रेडकॉन बियॉन्डर अपने हिसाब से अपने शेप को शिफ्ट कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म के पोर्टल्स को क्रिएट कर सकता है, हाई डायमेंशनल जो है अटैक्स प्रोवाइड कर सकता है, और साथ ही साथ इसके पास टेलीपैथी और टेलीकनेसिस की एबिलिटीज़ भी निकल के आ जाती हैं। और तो और इसका रिजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, इसकी रिजरेक्शन की एबिलिटी, और इसका जो कह सकते हो कि पावर पोटेंशियल है, वो हमें हाई हाइपरवर्सल लेवल की देखने को मिली है। अगर देखा जाए गाइस, तो प्री रेडकॉन बियॉन्डर ने अपने इंट्रोडक्शन के साथ ही इंटायर गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो इसके लिए एक बहुत ही छोटी फीट है। साथ ही साथ इसने डेथ को मारा और उसे दोबारा रिजरेक्ट भी किया, जो खुद एक मल्टीवर्सल एंटिटी है। इवन लिविंग ट्राइब्यूनल और इटर्निटी जैसे कैरेक्टर्स भी जो है इससे बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे, जिससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्री रेडकॉन बियॉन्डर कितना ज़्यादा पावरफुल था। और इसी वजह से प्री रेडकॉन बियॉन्डर जो है एग्जिस्टेंस के बियॉन्ड से आया था, और क्योंकि इसे जो है कह सकते हो राइटर एडिटर की रिप्रेजेंटेशन के तौर पे स्टार्टिंग में क्लासिकल अपने इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताया गया था, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर बन जाता है, एक हाई हाइपरवर्सल लेवल का बींग बन के निकल के आता है। तो गाइज, अब हम लोग बात कर लेते हैं सुपरमैन के ईविल वर्जन मिल्कमैन सुपरमैन की। अब हो सकता है जिन लोगों को इस कैरेक्टर के बारे में नहीं पता हो, वो लोग को इसका नाम बहुत अजीब लग रहा हो, ये कैरेक्टर बहुत वियर्ड लग रहा हो, लेकिन ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है। अब एक्चुअली में ये एक इम्परफेक्ट कॉपी है सुपरमैन की, जो चाइल्ड रहता है टेरिनॉन और कैसी ब्रिंक का, हु वॉज लेटर अडॉप्टेड बाय द रेडकॉन ताकि वो उसे अपना वेपन बना सके। अब इसके आगे मैं तुम्हें कुछ भी बताऊँ, उससे पहले मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा कि तुम लोग मेरी जो है डीबंकिंग मिल्क वॉर्स वाली वीडियो देख लो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि आगे मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो हो सकता है कि तुम में से कुछ लोगों को समझ में ना आए, और इसके वजह से तुम इस वीडियो से ये भी क्लियर आउट कर पाओगे कि क्यों मिल्कमैन सुपरमैन का सबसे पावरफुल वर्जन नहीं है। बैक टू द वीडियो, अगर हम लोग गाइस नज़र डालें मिल्कमैन सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो क्योंकि ये रेडकॉन कॉर्पोरेशन का पार्ट है इनडायरेक्टली, और फाइनल हेवन में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए कह सकते हो कि ये ओमनीपोटेंट और ओमनीप्रेजेंट निकल के आता है अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज़ के साथ। साथ ही साथ विद द हेल्प ऑफ हिज मिल्क, ये जो है कह सकते हो कि रियलिटी को बड़ी आसानी से जो है पूरे तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, और ये फाइनल हेवन का पार्ट है, यानी कि ये गॉड स्फीयर ब्लीड और एग्जिस्टेंस के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। साथ ही साथ इसके पास सुपरमैन जैसी सिमिलर एबिलिटीज़ भी हैं, यानी कि सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, हीट विजन, बाकी तरह के विजन, सुपर हियरिंग, इनवनरेबिलिटी, इररेलेवेंट स्ट्राइकिंग पावर, साथ ही साथ इररेलेवेंट स्ट्रेंथ, इररेलेवेंट स्पीड और ड्यूरेबिलिटी, जिसमें तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि मिल्कमैन सुपरमैन कितना ज़्यादा पावरफुल है। और अगर देखा जाए तो इसकी एबिलिटीज़ जो है इसे एक हाई हाइपरवर्सल बींग निकाल के लेके आती हैं, जिस वजह से तुम समझ सकते हो कि ये कैरेक्टर लिटरली बियॉन्डर को एक काफ़ी अच्छी टक्कर देने वाला है। तो गाइज़, यहाँ पे हम लोगों ने इन दोनों ही कैरेक्टर्स की बात कर ली है, अब
की है ये बात कि इन दो कैरेक्टर्स में ज़्यादा पावरफुल कौन है, अगर दोनों में कभी फाइट होती है तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। दोनों ही कैरेक्टर्स जो है हाई हाइपरवर्सल लेवल के हमें देखने को मिले हैं, दोनों ही कैरेक्टर्स जो है एग्जिस्टेंस के बियॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, और दोनों ही कैरेक्टर्स कह सकते हो कि अपने रियल में, अपने रियलिटी के अंदर जो है एक ट्रू ओमनीपोटेंट बीइंग है। लेकिन ऐसा कह सकते हो कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स की जो है कुछ कुछ हमें कह सकते हो कि बैकलैश देखने को मिला है, कुछ माइनर पॉइंट्स देखने को मिले हैं जो काफ़ी ज़्यादा अजीब है एक ओमनीपोटेंट कैरेक्टर के लिए। फॉर एग्जांपल बियॉन्डर को जो है कह सकते हो कि मेंटली अनस्टेबल बताया गया है कई जगह पे, और उसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स ने जो है कह सकते हो कि मैनिपुलेट भी किया है अपने दिमाग की मदद से, भले मेफिस्टो हो या मॉलिक्यूल मैन जैसे कैरेक्टर्स हो। इतना ही नहीं, तुम लोगों ने अगर मेरी डीबंकिंग मिल्क वॉर्स वाली वीडियो देखी होगी तो तुम लोगों को इतना पता होगा कि मिल्कमैन सुपरमैन तो बियॉन्ड एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, फाइनल हेवन का पार्ट है, लेकिन जब एक एनोनिमस जो है अपना कॉफ़ी कप कॉस्मिक मैप पे रखता है तो उसी के साथ साथ जो है मिल्कमैन सुपरमैन की स्टोरीज भी इरेज हो जाती हैं और वो भी एग्जिस्टेंस से इरेज हो जाता है। तो ये कह सकते हो कि दोनों ही कैरेक्टर्स के लिए एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि इन दोनों कैरेक्टर्स की कमजोरी क्या निकल के आती है, लेकिन एट दी एंड हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि अगर इन दो कैरेक्टर्स को अपना फुल पोटेंशियल दिया जाए, इनके जो है कह सकते हो कि रियल में इनकी फाइट्स हो, तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो शायद तुम लोग को यह चीज़ यकीन ना करो, लेकिन ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक ही रियल का पार्ट है, क्योंकि दोनों ही बियॉन्ड एग्जिस्टेंस हैं और दोनों ही जो है राइटर्स एडिटर्स की रिप्रेजेंटेशंस में से एक निकल के आते हैं। जहां मैं वापस आऊँ अगर प्रीरेटकॉन बियॉन्डर के ऊपर, तो प्रीरेटकॉन बियॉन्डर जो है जिम शूटर राइटर एडिटर की रिप्रेजेंटेशन था जब अपने क्लासिकल इंट्रोडक्शन के टाइम वो इंट्रोड्यूस हुआ था। और अगर मैं आ जाऊँ मिल्कमैन सुपरमैन के ऊपर, तो मिल्कमैन सुपरमैन जो है कह सकते हो कि इनडायरेक्टली रेडकॉन कॉर्पोरेशन का पार्ट है जो फाइनल हेवन में एग्जिस्ट करते हैं, और रेडकॉन कॉर्पोरेशन जो है डीसी के राइटर्स की रिप्रेजेंटेशन है, डीसी की जो अथॉरिटी है राइटर्स की उनकी रिप्रेजेंटेशन है, उनके एम्प्लॉयज हैं। तो इस वजह से तुम्हें अंदाजा लग चुका होगा कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स सिमिलर क्यों हैं, सिमिलर लेवल पे क्यों हैं। तो अब अगर मैं बात करूं कि इन दो कैरेक्टर्स में फाइट होती है तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये कहना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर्स की जो अटैक पोटेंशियल है वो इक्वल है, दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, और एट दी एंड दोनों ही कैरेक्टर्स की उतनी ज़्यादा कह सकते हो कि फीड्स तो नहीं है, लेकिन क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर्स बियॉन्ड एग्जिस्टेंस है तो तुम लोग समझ सकते हो कि ये लोग अपने अपने ओमनीवर्स अपने अपने मल्टीवर्स को जो है बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट अगर एट दी एंड मुझे दोनों में से किसी एक को विनर चुनना होगा तो ये सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। बट अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो जब प्रीरेटकॉन बियॉन्डर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की मैंने बात की तो तुम लोग को ये ध्यान में आया होगा कि प्रीरेटकॉन बियॉन्डर के पास जो है काफ़ी सारी मैनिपुलेशन जो है एबिलिटी मौजूद है, और एक ऐसा कह सकते हो कि प्लस पॉइंट प्रीरेटकॉन बियॉन्डर के ऊपर निकल के आता है जो मिल्कमैन सुपरमैन के पास हमें देखने को नहीं मिला है, वो है कॉन्सेप्चुअल मैनिपुलेशन। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्रीरेटकॉन बियॉन्डर जो है स्टोरी के कॉन्सेप्ट को मैनिपुलेट कर सकता है, मिल्कमैन सुपरमैन ऐसा कर सकता है या नहीं ये हमें कॉमिक्स में देखने को तो नहीं मिला है, बट क्योंकि वो कह सकते हो कि रेडकॉन कॉर्पोरेशन का पार्ट है तो ऑब्वियसली ये उसके लिए पॉसिबल होगा। तो एट दी एंड दो कैरेक्टर्स में कौन ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है ये मेरे लिए बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दोनों ही हाई हाइपरवर्सल लेवल बीइंग हैं, दोनों ही कैरेक्टर्स बियॉन्ड एग्जिस्टेंस हैं, दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से तो सुपर विलन्स बैटलाइन का आज का ये एपिसोड एक टाई होने वाला है, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। तुम लोग के हिसाब से कौन जीतेगा, तुम लोग का क्या कॉन्क्लूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अपने फेवरेट कैंडिडेट को अपने फेवरेट कैरेक्टर को जो है वोट मत करना, तुम लोग लॉजिकली बताना कि तुम लोग के हिसाब से कौन ज़्यादा पावरफुल कौन ज़्यादा सुपीरियर है। सो गाइज ये थी वीडियो मिल्कमैन सुपरमैन और प्रीरेटकॉन बियॉन्डर के कंपैरिजन को लेके। आई होप सो कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही अमेजिंग किस्म के कंपैरिजन वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।